अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं फ्रेंच टोस्ट विद कस्टर्ड। फ्रेंच टोस्ट विद कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कप दूध लेंगे, आप फ्रेश मिल्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर 2 टेबलस्पून हम कस्टर्ड डालेंगे, आप कोई भी कस्टर्ड डाल सकते हैं, वनीला, मैंगो, जो आपके पास है आप वो इसमें डाल दें। इस कस्टर्ड को दूध के साथ मिक्स करेंगे। ये कस्टर्ड दूध के साथ मिक्स हो गया, अब हम इसे पकाएंगे। एक पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और उसमें ये हम दूध डाल देंगे कस्टर्ड वाला। अब इस दूध में हम 2 टेबलस्पून चीनी डालेंगे और इसको थिक होने तक पकाएंगे। ये कस्टर्ड हमारा पक गया और थिक हो गया है, ये देखें। अब हम इसको साइड पे करेंगे। अब इसके बाद हम एक और बाउल लेंगे और उसमें हम 1/2 कप दूध डाल देंगे। ये 1/2 कप दूध डाल दिया है। इस दूध के अंदर 2 टेबलस्पून हम चीनी भी डालेंगे, 1/4 टीस्पून हमने इसमें जर्दे का रंग डालना है। अब इसके बाद हम इसमें 2 अंडे डालेंगे। ये दोनों अंडे हमने इसमें डाल लिए, आप इनको मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो गया, अब हम इसको साइड पे करेंगे। 4 हम ब्रेड के स्लाइस लेंगे और इनको दरमियान में से काट लेंगे। ये हमने 4 स्लाइसेस काट लिए हैं। अब हम एक पैन लेंगे, इसमें ऑयल या घी जो भी आपने यूज़ करना है वो डालेंगे। ये ऑयल हमने पैन के अंदर डाल लिया है। अब ये ब्रेड के स्लाइसेस जो हमने लिए थे वो इस बैटर में डिप करके इनको हमने फ्राई करना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे, ये हमने इसमें डाल दिए हैं। ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इन्हें एक डिश में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी के फ्राई कर लेंगे। ये हमारी सारी ब्रेड फ्राई हो चुकी हैं, इनको अब हम साइड पे करेंगे। अब हम एक डिश लेंगे और इसमें ये जो हमने फ्रेंच टोस्ट फ्राई किए थे उनको रखना है और इसके ऊपर ये कस्टर्ड जो हमने बनाया था ये डालना है। अब फिर से रखेंगे इसके ऊपर और दोबारा कस्टर्ड डालेंगे ऊपर। अब ये कस्टर्ड जो बच गया ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये हमने सारे इसके अंदर डाल लिए हैं। अब हम इनके बादाम और पिस्ते से गार्निशिंग करेंगे। तैयार है हमारे फ्रेंच टोस्ट विद कस्टर्ड। आप इसको सर्व करने से पहले अच्छी तरह ठंडा कर लें। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।